हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मेरी बेटी को देखिए, हाथ हमेशा वीडियो में हाथ बटाते ही नजर आएगी। अभी मम्मी जलावन काट रही है और मेरी बेटी रस्सी लेकर के ये देखिए बिछाएगी और उस पर रखेगी सारा जलावन। इतना भेड़ की है, काम करती रहती है ये देखिए। लड़की ऐ क्या कर रही है? हाँ, खुलिया देख रहे हैं, बाल तक नहीं बंधाती है ढंग से। बोल दो हेलो दोस्तों, बोल रही है लेकिन एक बार हाथ हिला के बोल दो, हाथ हिला के बोलो। बोल दो हेलो दोस्तों, ऐसे मैं काम करना है, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी कर रही हो। हाँ, झरना बांध रही, झरना इसको देखिए, बोल दो जोर से, बोलो सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने को पोर्ट कीजिए कह रही है, खुद उठा के लेके जाएगी। ये देखिए कैसे जिद कर रही है, ये देखिए कैसे जा रही है, उठा के ही लेके जाएगी। तो कुछ नहीं, अभी हो रहा है शाम का टाइम और कुछ नहीं, बहुत से लोगों को जवाब देने वाली आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से देख रही हूँ। फिलहाल कुछ भी नहीं कह रही, तो भला बुरा कहते हैं ना, पता है मुझे कुछ भी नहीं, मुझे जो लोग भी उल्टा सीधा बोलते हैं ना, उसको जो भी कुछ मुझे बोलना रहता है ना, वो बोलती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं बोलती हूँ। ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं होती सामने से कुछ कहने की, इसलिए कैमरा क्या बोलते हैं, इसलिए कमेंट में आकर के लिखेंगे। मुझे सब पता है कौन क्या कर, कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है। मेरे कुछ अपने भी हैं ना, अपने क्या कहना, अपने रहते तो ऐसे थोड़ी ना करते, वो खुद से नहीं कुछ कर पाते तो पता है क्या, कि दूसरे लोग से गलत गलत कमेंट करवाएंगे। मुझे सब पता है, मैं मतलब जैसे कि मैं पागल हूँ, गवार हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता किसी की भी आईडी देखने से, मतलब ऐसे समझेंगे, है ना। कोई कुछ अपने से नहीं कर पा रहा है ना, तो दूसरे लोग से करा रहा है। कुछ कुछ हैं लोग, है कुछ लोग जिसे अपना ही है, बट नहीं बताऊँगी, उतना नहीं बताऊँगी, खुल के नहीं बताऊँगी, लेकिन मुझे इतना पता है। लेकिन जो ये काम कर रहा है ना, करके पछताएगा, ठीक है, जो इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और कुछ होने वाला नहीं है कभी भी। और मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ ना, इस रास्ते पे ना बहुत से रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे फैमिली वाले कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैं कुछ गलत करती नहीं, और उन्हें पता है कि मैं किस टाइप की हूँ। ठीक है, तो दुनिया के कुछ भी बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम दुख में रहते हैं तो कोई खाना पानी आता नहीं पूछने के लिए, है ना। कोई भी चीज़ की वीडियो बनाती हूँ तो सारे लोग के पता है दिमाग में यही चलता है कि व्यू के चक्कर में ऐसा बनाती है, व्यू के चक्कर में ऐसा बनाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं अपने हंसता हुआ चेहरा दिखा सकती लेकिन रोता हुआ नहीं। मतलब हम ज़िंदगी में सारे लोग तो हमेशा जैसे कि पैदा होते ही रोते आते हैं, लेकिन सबको लगता है कि मतलब हमेशा हंसते हुए वीडियो डालना चाहिए, ताकि अच्छी मतलब वीडियो अच्छी लगेगी, ये वो। अगर थोड़ा सा भी रोध होकर के वीडियो डाल दो, या थोड़ा इमोशनली अगर कुछ बोल दो, या गुस्सा होकर के बोल दो, तो बस व्यू के चक्कर में, है ना। एक चीज़ तो मुझे पता है, दुनिया वाले कुछ भी सोचें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क, क्योंकि मेरे बुरा टाइम में टोंट मारने के अलावा और कोई काम नहीं किए थे। यहाँ तक कि बहुत से गलत गलत बोलते रहते थे, बहुत से लोग उल्टा सीधा ये वो, तो क्या कहते हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं जो टोंट मारते रहते हैं भला बुरा, बट हम पे कोई असर नहीं होता, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे जितना मारना है मारो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सामने से जो और मेरे से जलता है ना, उसके सामने और उसको हम जलाते हैं, बस जलने, वो कहते हैं ना, जलने वालों पे घी डालो और बोलो स्वाहा, तो वही काम हो रहा है हमारा। फिलहाल अभी शाम का टाइम हो रहा है, देख सकते। और मैं माइक लगा के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं मंगाई हूँ, जब जो काम करने के लिए वो काम क्यों ना करूँ। इसलिए मैं पता है बेटी से छुपा करके माइक लगा करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी देखती है तो एक्सपेरिमेंट करने लगती है, जिसकी वजह से कल रात में बहुत रोई थी, उसको मैं डांटी थी तो और रोने लगती है, बिना मारे उसको अगर डांट दूँ तो उस टाइम भी रोने लगती है, इसलिए उससे छुप करके इधर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। कुछ नहीं, अभी जा रही हूँ घर बेटी के पास, क्योंकि मेरी बेटी मम्मी को बहुत परेशान कर रही है। देखिए मैं अपनी बिटिया रानी को दिखाती हूँ, ये देखिए बकरी के साथ खेल रही है, कह रही है मम्मी इसको चलने के लिए नहीं, और ये प्यारा से देखिए इधर घूर के देख रहा है इसको, देखिए इसको मैं कह रही हूँ चलो बाहर, तो क्या बोलिए, ए लड़की बाहर चलो, ये देखिए कह रही ना मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है, और ये देखिए चलो बाहर निकलो,
क्या है बाहर? नहीं उकलूंगा बाहर। जा, मैं जा रही हूँ बाप। ये देखिए मेरी बेटी को डंडा लेकर के आ रही है। आज लाइट नहीं है इसलिए पगला आ रही है। और कैसे लेके आ रही है? जैसे कि किसी को मारेगी। वैगे मारे ला भाई होगी। ए लड़की पिटाई लगेगा। तो ये देखिए मम्मी वाला मशीन तोड़ करके लाया है। पूरा कवार हो गया इसको जा रहा पेंट करने के लिए। और मेरी बेटी भी देख करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो गई। ये देखिए कूद कूद करके काम करने लगती है। ये भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है हमारे इधर। और आज पता नहीं 2-3 घंटे से लाइट कटी पड़ी है। लाइट भी नहीं आ रही। और उधर देखिए उसको आवाज़ सुन रहे हैं? देखिए कैसे रूठी बैठी पड़ी है। इसको चाहिए मशीन। आए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए कैसे कैसे कर रही है। ठीक करियो। पता है अभी बजने वाला है 2 और हमारे यहाँ लाइट कटी पड़ी है 11:30 बजे से ही। 11:30 बजे रिचार्ज जैसे ही ख़त्म हुआ कट गया। रिचार्ज हुआ उसके बाद से लाइट ही नहीं आया। थोड़ा सा आया फिर कट गया। और मेरी बेटी इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान करती है, क्या ही बताऊँ। देखिए इसको गर्मी पड़ती है, गर्मी इससे बर्दाश्त नहीं होती। इसको पंखा चाहिए। पंखा क्या चाहिए बेटू? पंखा चाहिए। उधर बाइक के पीछे खड़ी है, बाइक को तोड़ने फोड़ने में लगी पड़ी है। ये देखिए इसका एक्सपेरिमेंट। सुबह होते ही नहा लेती है, ठीक है, नहा धो करके एकदम कपड़ा देख सकते हैं नया शर्ट पहन रखी है और पूरा गंदा कर लिया है। देखिए पूरा। इसको कोई कुछ भी कोई भी चीज़ के लिए मना करेगा तो मिट्टी पे बैठ करके पैर ऐसे पटकने लगेगी, सोने लगेगी, घसने लगती है। और इसका मैं बाल तक बांध दी थी, सारा खोल लिया है। और इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी इसको नहीं फर्क पड़ रहा, कितनी भी कान पे अटकी रहे। मन करता है इसको छिला दूँ। ये लड़की है, नहीं तो लड़का की तरह इसका बाल कटवा के रखती। लड़की है, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बड़ा बड़ा बाल रहेगा तो 2 साल बाद पढ़ने के लिए जाएगी तो 2 चोटी बांध दूँगी तो जाएगी। और इसको देखिए बाल को कैसा कर्ली कर लिया पूरा। पागल लड़की, इधर आना। तो इधर आओ ना। देखिए इसका, इस मासूम का चेहरा देखिए। हाँ 1 2 3 1 2 3 कौन क्या हुआ? लाइक करना, बोल दो हाय दोस्तों, बोलो मेरी मम्मी को सपोर्ट करो, बोलो बोलो बोलो, बोलो मेरी मम्मी को सपोर्ट। इसका देखिए ये नहीं बोलने वाली। मेरा नाखून कट गया ना तुम्हारे चक्कर में, नाखून काट ली ना मैं। छोटा छोटा है ये अब। अरे पगली ये तिल है, तिल मेरी उंगली में तिल है। इसको ऐसे ऐसे करके हटा रही है जैसे कि गंदा लगाओ। तिल है, तिल है पागल, यहाँ पे भी तिल है देखो। तुम्हारे हाथ में तिल नहीं है, दिखाना जरा। नहीं है, मेरी बिट्टी रानी के हाथ में है ही नहीं। तो दोस्तों अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, लाइट तो आ नहीं रही इसलिए हाथ पंखा चला रहे हैं। और आप लोग को एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए ये दोनों मामा भांजी का नौटंकी। मेरी बेटी भी वैसी ही हो गई है, यही बनाया है इसको जिद्दी। टोपी पहन, टोपी पहन, टोपी। नींबू तोड़वा के लाई है और फड़वा करके खाएगी। और इसको नींबू अच्छा लगने लगा है। एक दिन खा लिया है ना तब इसको खाने का बहुत ही ज्यादा मन करता है। क्या खाओगी? ये देखिए आंसू कैसे टपका पड़ा है। पागल लड़की अभी रो रही थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देखिए ये देखिए कितना उछल रही है। तूने खा नींबू खाने के लिए छोटा सा नींबू तोड़ा है। जितनी छोटी है उतनी छोटी नींबू। मारेगी मोबाइल में। तो फाइनली दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी तक लाइट नहीं आया जिसकी वजह से क्या ही बोलूँ, बहुत परेशान हूँ। बहुत गर्मी पड़ रही है हमारे इधर। इसको देखिए मोबाइल चार्ज नहीं है मेरा, लेकिन मेरे फ़ोन से कनेक्ट है क्योंकि मम्मी का मोबाइल 4G है और मेरा 5G है। तो मैं कनेक्ट कर देती हूँ क्योंकि पापा मम्मी रात को देख करके सोते हैं। थोड़ा सोते टाइम देखने में अच्छा लगता है ना, तो देखते हैं। तो उस टाइम नेट नहीं रहता, सारा ख़त्म कर देती है जिसकी वजह से कनेक्ट कर रखी हूँ। और मेरा फ़ोन एकदम 19% चार्ज है जैसे लग रहा है कभी भी ऑफ हो सकता है। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय सभी लोग को, टेक केयर।